केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछोर में भाजपा उम्मीदवार प्रीतम लोधी के समर्थन में सभा को संबोधित किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने खनिया धाना विरासत के महाराजा महान क्रांतिकारी खलक सिंह जुदेव और बुंदेला शासक राजवीर वृक्षदेव सिंह को प्रणाम किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, कांग्रेस का काम केवल अपने बेटे बेटियों को सत्ता पर बैठाना है। केंद्र में सोनिया जी है, वो राहुल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। यहाँ कमलनाथ अपने पुत्र नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक राम मंदिर को अटकाया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को भूमि पूजन किया और अब प्राण प्रतिष्ठा भी करने वाले है। दिवाली देश में एक बार मनाई जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार 3 बार दिवाली मनाई जाएगी। कांग्रेस पार्टी है, उनका काम केवल और केवल अपने बेटे बेटियों को सत्ता पर बिठाना है। केंद्र में सोनिया जी है, उनको राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है, और यहां कमलनाथ है, उनको नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है। ये आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? जो अपने बेटे के लिए राजनीति में हो, वो देश का और मध्य प्रदेश के गरीबों का भला नहीं कर सकते, वो केवल और केवल घोटाला करने का काम कर सकते हैं।